अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.8। इनको मैं जल्दी से डिस्कस करूँगी क्योंकि मेरा ख्याल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा खुद भी कोशिश करें, ठीक है। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 616 डेसीमीटर स्क्वेयर, फाइंड इट्स रेडियस। इट मीन्स कि सर्कुलर रीजन है इस शेप का, ठीक है, उसका एरिया हमें टोटल गिवन है 616 डेसीमीटर स्क्वेयर। हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, तो रेडियस आपको पता है आपके सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट्स कॉल्ड द रेडियस। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, तो बच्चों सर्कुलर रीजन का एरिया किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। 2πr इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड पाई आर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन, अब एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन कितना गिवन है? 616 और यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे देखें पाई वैल्यू पुट करें, आर अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन, ओके। तो यहाँ पे 616 × 7/22 आर स्क्वेयर, ठीक है। 22 को हम कैंसिल कर देते हैं, 22 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 616 × 22 2 times, ठीक है। 22 यहाँ पे रफ कॉपी भी मैं कर लेती हूँ, 28, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेने, जब गलती होगी तो ये आ जाएगा 28, ठीक है। 7 8s are 56, तो 5 आ गया। 7 2s are 14, 14 और 5 196 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हमें आर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायर रूट 196। पेयर करें, 1 1s are 1, ठीक है। 9 6 2 और 4 4 16 1 4 2 8 रिमाइंडर इज 0। इट मीन्स के द रेडियस जो है सर्कुलर रीजन, दैट्स इक्वल टू 14 डेसीमीटर, ठीक है। कितना आ गया? 14 डेसीमीटर। ये देखिए, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू 14 डेसीमीटर, ठीक है। अभी मैं इस पेज पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही थी, बट ये तो ख़त्म हो गया। ओके, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।